फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली आहूजा। वेलकम टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर साइंस बायोलॉजी सीरीज का कंप्लीट किया था, द साइंस ऑफ लाइफ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे एंशियंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बारे में, और सेकंड पार्ट में हमने बात करी थी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। वही मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और नॉन लिविंग, वो किसी ना किसी सेल से बने होते हैं, एक सेल से सभी। आज हम वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट सेल, दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी चैप्टर आज हमारा सेकंड चैप्टर है फ्रेंड्स बायोलॉजी सीरीज का, जो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सेल और थ्योरी ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे फर्स्ट बात करती हूँ साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी की जब मैं बात करती हूँ तो व्हाट इज साइटोलॉजी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी लॉजी वर्ड का यूज होता है, दैट इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी। किसी भी चीज़ की स्टडी को बताने के लिए हम लॉजी वर्ड का यूज करते हैं। तो साइटो मीन्स सेल and logy means study, so the structure of cell is called cytology। friends, इसी के साथ एक और term आता है हमारा cell biology, इसमें slightly difference है, ये दोनों same term नहीं है। अब अधिकतर लोग यही समझते हैं कि cell biology और cytology both are the same term use होता है इसके लिए, नहीं, but इसमें थोड़ा सा difference है। cytology सिर्फ हमारा होता है study द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हम सेल की सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि सेल कैसे बना, किन किन चीज़ों से बना। बट जब बात आती है सेल बायोलॉजी की, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच द सेल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस इनसाइड प्रेजेंट इन द सेल्स आर स्टडीड। इसमें हम सब चीज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस किस सब्सटेंसेस से बना है, उसके अंदर जो ऑर्गेनलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज, उन सब की स्टडी भी करते हैं, उनका डिवीजन कैसे होता है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सारी बातें हम सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। बट इन साइटोलॉजी हम ओनली स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं, ओनली स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी होती है तो साइटोलॉजी। और सभी चीज़ें जब सेल के बारे में स्टडी की जाती हैं, उनका डिवीजन, उनका स्ट्रक्चर, उनका रिप्रोडक्शन, तब हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। तो सबसे पहली तो हमारी ये बात हो गई कि साइटोलॉजी के बारे में, कि साइटोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू सेल। ये फ्रेंड्स सेल से रिलेटेड है कि हमारा सेल्स कैसे बना, हम सारे लिविंग और सेल से बने हैं, तो किस टाइप के सेल से बने होते हैं, सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, सेल के इनसाइड स्ट्रक्चर्स, उनका सब्सटेंस क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनलीज होते हैं, इन सब की बात हम करेंगे। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग इज सेल। क्या होता है फ्रेंड्स, सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल होती है। सेल ही से मिलकर हर एक छोटा से छोटा, मैं हमने दो टाइप्स की बात करी थी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने होते हैं, मल्टीसेलुलर जो मल्टीसेल से बने होते हैं, मतलब मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइटोलॉजी वर्ड किसने गिवन किया है, द वर्ड कॉइन्ड बाय हर्टविक, जो साइटोलॉजी टर्म दिया था वो दिया था हर्टविक ने, एक साइंटिस्ट हैं जिनने साइटोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था, तो ये क्या उन्हें हर्टविक। उसके बाद अगर सबसे पहले जो हमारी बात आती कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, अब साइटोलॉजी आई है, साइटोलॉजी टर्म आया है, साइटोलॉजी के बारे में जिसने स्टडी की होगी, तो सबसे पहले जिसने स्टडी की थी और जिन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस टाइम पे फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था, जब उनने सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी की, तो उनने खुद का एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जिसे रूडिमेंट्री माइक्रोस्कोप वो होता है जो खुद से, उनने ग्लासेस को पीस कर खुद का एक माइक्रोस्कोप प्रिपेयर किया था, और उसी की हेल्प से उनने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी किया जाता है। और ये सब उनने अपनी एक बुक में लिखा था, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। रॉबर्ट हक ने अपनी एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, और इस माइक्रोग्राफिया बुक में उनने अपनी स्टडी के बारे में सब कुछ बताया था, तभी से उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी
कहा जाता है। बट फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, बाद में और बहुत सारी रिसर्चेस हुई, बहुत लोगों ने वर्क किया इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बट जिन्हें मॉडर्न टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और जिन्हें मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है, दैट इज स्वानसन। वो स्वानसन है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछा जाता है, ओनली साइटोलॉजी, तब हमारे रॉबर्ट हुक हैं। बट अगर पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तब आप स्वानसन क्लिक करें, टिक करेंगे। स्वानसन है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। स्वानसन, इनकी भी एक बुक थी सेल बुक, उस बुक का ही नाम था सेल बुक। तो इस तरीके से हमें दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन। रॉबर्ट हुक की बुक का नेम है माइक्रोग्राफिया, स्वानसन की बुक का नाम है सेल बुक। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, हम इंडिया में हैं फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ जिनने सबसे ज़्यादा वर्क किया इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी, इनने क्रोमोसोम, तो वो हैं AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। इनने साइटोलॉजी की फील्ड में और क्रोमोसोम की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इन्हें कई सारे ऑनर्स मिले, और जो बायोलॉजी की फील्ड में हाईएस्ट ऑनर होता है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1967 में उनको इस प्राइस के साथ ये प्राइस दिया गया था, शांति स्वरूप भटनागर प्राइस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1967 में उन्हें इस बायोलॉजिकल साइंस के हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद इनको 1985 में फ्रेंड्स उनको पद्म भूषण दिया गया, और उसके बाद उन्हें हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री 2017 में, अभी रीसेंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 2017 में अभी पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया था। तो हमारे फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ने, इनने सबसे पहले ब्लड कैंसर के बारे में भी स्टडी की और उसे ल्यूकेमिया के बारे में हमें बताया था। AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका नाम। 1967 में इनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया, 1985 में पद्म भूषण दिया गया, और 2017 में फ्रेंड्स इनको पद्मश्री दिया गया था। तो ये हमने तीनों बात कर ली है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। इसके बारे में बात करती हूँ कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, बट सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले किसने देखा कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने, तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। जिनने सेल को सबसे पहले देखा वो थे रॉबर्ट हुक, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। 1665 में ये एक इंग्लिश बोटैनिस्ट हैं फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये एक इंग्लिश बोटैनिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। इनने सबसे पहले 1665 में एक सेल को देखा था, बट ये इनने बोटैनिस्ट थे, ये प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे, तो इनने सबसे पहला जो सेल देखा वो एक इन कॉर्क में देखा। कॉर्क क्या होता है फ्रेंड्स, बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ों की छाल होती है उसे हम कॉर्क कहते हैं। उससे कई सारे आपने देखा होगा जो लकड़ी के ढक्कन बॉटल्स वगैरह में, परफ्यूम्स में जो यूज़ किए जाते हैं, सब बनाए जाते हैं, उसे इनने ब्लड उसमें इनने एक देखा। जब इनने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और स्टडी की, तो इनने देखा कि वहाँ पर एक बिल्कुल हनीकॉम जैसा, है ना, हनीकॉम जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर इनको पूरा ऐसा कॉम टाइप का दिखाई दिया। लेकिन फ्रेंड्स, जब उनने देखा कि वो इस तरीके का एक उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया कि सारे पूरे इस तरीके से हनीकॉम जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आप कई बार एक्सपेरिमेंट्स स्कूल्स में करते होंगे, अनियन पील में भी दिखाई देता है। बट फ्रेंड्स, इनने ये तो पता कर लिया था कि ये इसमें एक सेल है, इसको ही इनने नाम दिया था सेल। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। सबसे पहले से सेल नेम देने वाले भी रॉबर्ट हुक थे, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। लेकिन इनने जो सेल को डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल थी, वो एक प्लांट की सेल थी जो एक डेड सेल थी, इसलिए इनकी स्टडी को आगे बढ़ाया जो एक लिविंग सेल। फिर जब लिविंग सेल को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया वो थे AV लुवेनहॉक,
जो सबसे पहले डिस्कवर्ड अगर पूछा जाता है किसने की डिस्कवरी ऑफ सेल, तो दैट इज रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लिविंग सेल की किसने डिस्कवरी की थी, तो लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की थी ए वी ल्यूवेन हुक ने। ल्यूवेन हुक एक डच साइंटिस्ट थे, ये हॉलैंड के रहने वाले थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि ए वी ल्यूवेन हुक एक डच साइंटिस्ट थे जो हॉलैंड के रहने वाले थे। इनने 1676 में एक लिविंग सेल देखा था एक पॉन्ड वाटर में। जब उस टाइम पे बारिश का टाइम रहा होगा तो एक पॉन्ड वाटर में उनने एक अल्गी को सबसे पहले सेल देखी थी, जिसको उनने एक लिविंग सेल बताया। इनने खुद एक सबसे पहले माइक्रोस्कोप, जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किया उसका श्रेय भी ए वी ल्यूवेन हुक को जाता है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करने वाले भी ए वी ल्यूवेन हुक थे, और इसी वजह से इनने एक लिविंग सेल की भी स्टडी कर ली थी। बट इनने फ्रेंड्स सिर्फ लिविंग सेल की स्टडी नहीं करी, इनने बैक्टीरियोलॉजी, स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ, इन सब की भी स्टडी की थी। इन सबको भी सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। इनकी भी एक बुक थी सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ये बुक्स के नेम्स भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि ए वी ल्यूवेन हुक की बुक का नाम क्या है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। यह हमने बात की कि सबसे पहले डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने, बट वो एक डेड सेल में डिस्कवर किया था। उसके बाद जो लिविंग सेल थी उसकी डिस्कवरी की ए वी ल्यूवेन हुक ने। ए वी ल्यूवेन हुक ने ही स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ की भी स्टडी सबसे पहले डिस्कवरी की, और इनकी एक बुक थी सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की। सेल की डिस्कवरी हुई, उसके बाद कुछ लोगों ने सेल थ्योरीज देना स्टार्ट करी कि सेल से हमने ये तो पता चला कि सेल्स से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, लेकिन कैसे बने हैं, किस तरीके से ये सेल्स आपस में मिलती हैं, कैसा इनका डिवीजन होता है, इस सब के लिए आई सेल थ्योरी। लेकिन जो सबसे पहला आइडिया था सेल थ्योरी का, ये आरजेएस ड्यूट्रोचैट ने दिया था। इनने बताया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं। ये फर्स्ट आइडिया दिया आरजेएस ड्यूट्रोचैट ने, अगर फर्स्ट आइडिया पूछा जाता है। बट इनका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा उस टाइम वर्क नहीं कर पाया। इसके बाद इसी के आइडिया को फॉलो करते हुए हमारे दो साइंटिस्ट आए, शेल्डन एंड स्वान। शेल्डन बोटैनिस्ट थे, स्वान जूलॉजिस्ट हैं। फ्रेंड्स, जो सेल थ्योरी होती है उसको हमेशा आपसे पूछा जाता है एक ही टर्म में कि सेल थ्योरी किसने गिवन है, किसने दिया है, तो हम हमेशा नाम लेते हैं शेल्डन एंड स्वान। बट शेल्डन और स्वान ने एक साथ इस थ्योरी को नहीं दिया था, दोनों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी, जिसको बाद में एक करके हम स्टडी करते हैं। तो शेल्डन एक बोटैनिस्ट थे, तो इनने प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले इनने 1835 में ये बताया कि जितनी भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं, ये उनने प्लांट्स के बारे में कहा था। बट 1839 में, एक साल बाद, श्वान ने बताया कि नहीं, ओनली प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी, जितने एनिमल्स हैं एनिमल्स भी सभी सेल्स से मिलकर बने हैं। तो दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी थी, जिनको हम बाद में एक स्टडी करके पढ़ते हैं। बट अगर आपसे अकेला सेल थ्योरी पूछा जाता है तो आपको दोनों का ही नाम टिक करना है, शेल्डन एंड स्वान। शेल्डन ने 1838 में अपनी थ्योरी बताई थी और श्वान ने 1839 में स्टोरी बताई थी। इनने अपनी थ्योरी में कुछ मेन पॉइंट्स रखे थे सेल थ्योरी के। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला, एवरी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सेल। उन्होंने बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से ओरिजिनेट हुआ है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। द बॉडी ऑफ आर एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सिंगल सेल से या मोर देन वन सेल से मिलकर बने हैं, जो दो टाइप्स में अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी फंक्शन हमारी बॉडी कर पा रही है, जितना भी स्ट्रक्चर जो हमारा फॉर्म हुआ है, सबका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि सबकी सेल्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। अगर ब्लड सेल की बात करें तो वो अलग डिफरेंट शेप और साइज की होंगी, न्यूरोन्स अलग डिफरेंट शेप और साइज की, तो सभी सेल्स एक दूसरे से शेप साइज में डिफर करती हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर कैपेबल ऑफ असिमिलेट, रेस्पायरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल ही वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, असिमिलेट, सभी पॉइंट, सभी फंक्शंस को परफॉर्म करवाती है। हम जितने भी फंक्शंस कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं। ये बातें, ये पॉइंट्स दिए थे हमारे शेल्डन एंड स्वान ने। फ्रेंड्स, इन्हें ये तो बता दिया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन
ये सेल्स कैसे बनी, सबसे पहले कहाँ से, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो कैसे बनता है, इसके बारे में बताने के लिए एक थर्ड साइंटिस्ट आए, दैट इज रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, उनका स्टेटमेंट बहुत फेमस है, जिससे हमने पता किया कि ये सेल्स कैसे बनती हैं, सेल्स कैसे आई। तो इन 1855 इनने बताया दैट ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी सेल्स हैं वो अपनी कोई ना कोई पुरानी सेल से बनी होती है। मतलब कोई एक सेल रहती है वो डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती हैं, फिर ये डिवाइडर होकर टू सब सेल्स बनाती हैं, फिर ये भी दो सेल बनाती हैं, इस तरीके से एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ सेल्स बनती जाती हैं। तो जितनी भी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है। लेकिन फ्रेंड्स, उस टाइम ऐसा माना जाता था कि जितनी भी सेल्स हैं वो एक नॉन लिविंग थिंग से मिल, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बनी है। तो बहुत ज़्यादा इनकी इस थ्योरी का रिजेक्शन किया गया, लोगों ने बहुत माना नहीं, लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस टाइम ये माना जाता था कि अगर कोई मीट का टुकड़ा रखा है और उस पर कीड़े लग जाते हैं तो मतलब इस मीट के टुकड़े से ही कीड़े पैदा हुए हैं, लोग ऐसा मान लेते थे, इसलिए इस उनकी इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा रिजेक्शन किया गया। बट बाद में यही बात प्रूव हुई कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है और जितनी भी सेल्स हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी है। ये इनने एक साइंटिस्ट थे फ्रांसेस्को रेडी, उनने अपना सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया था ओमने वीवम एक्स ओवो, ओमने वीवम एक्स वीवो। इसके आधार पर इनका मतलब था एवरी लिविंग थिंग कम्स फ्रॉम अ लिविंग थिंग। इनने सबसे पहले बात बताई थी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किसी ना किसी लिविंग थिंग से ही बनी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थिंग्स नहीं ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। इसी को फॉलो करते हुए बाद में 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू ने अपना स्टेटमेंट दिया दैट ओमनिस सेल्यूलो सेल्यूला ई सेल्यूला। फ्रेंड्स, ये फ्रेंच में है, इसका मतलब होता है दैट ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके बाद उन्होंने बताया कि जितनी भी सेल्स हैं वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी है। तो ये हमने देखा कि जो हमारी सेल थ्योरी है, मेन सेल थ्योरी, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं तो शेल्डन, स्वान एंड वर्च्यू तीनों को मिलाकर एक सेल थ्योरी आई थी जो आज की मॉडर्न सेल थ्योरी है। इसमें फर्स्ट आइडिया हमारा, जो सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट जिसने बात करी से सेल थ्योरी के बारे में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, वो आरजेएच ड्यूट्रोचैट ने की थी। उसके बाद जो मेन मॉडर्न सेल थ्योरी आई वो शेल्डन एंड स्वान ने दी, बट शेल्डन एक बॉटनिस्ट थे जिन्हें 1838 में प्लांट्स की स्टडी करके बताया कि सभी प्लांट्स सेल्स से मिलकर बने हैं। स्वान जूलॉजिस्ट थे, उन्हें एनिमल्स की स्टडी करके 1839 में कहा कि जितने एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बने हैं, और उन्हें अपने कुछ की पॉइंट्स दिए। इसी को रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। इसके बाद हमारे एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे मैक्स शुल्ट्स, मैक्स शुल्ट्स ने डिफाइन किया दैट द सेल एज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस इन 1861 में। फ्रेंड्स, आए मैक्स रुडोल्फ, उन्होंने कहा कि जो सेल है उसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है, एक लिक्विड भरा होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ये प्लांट और एनिमल सेल के लिए डिफरेंट होता है, प्लांट सेल में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्लांट सेल्स में फेरी फेरी पे प्रेजेंट होता है साइड में, इसके पास दिखाई देगा, और एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों से मिलकर एक सेल बनती है, जिसने उन्होंने बताया कि सेल एक मास है प्रोटोप्लाज्म का और एक उसके अंदर न्यूक्लियस का। ये थ्योरी इनने दी थी 1861 में। इनकी इसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। न्यूक्लियस एज अ फंडामेंटल सब्सटेंस फाउंड इन बोथ प्लांट्स एनिमल्स, ये दोनों चीज़ प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में मिलती है, इसे थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारे लेक्चर में हमने यही देखा कि सेल थ्योरी, सबसे पहले साइटोलॉजी का क्या मीनिंग है, इसकी क्या स्टडी हम कैसे करते हैं, सेल थ्योरी क्या है, किसने डिस्कवर किया, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी बताएंगे कि किस तरीके से टाइप्स में बांटा गया, कौन कौन से टाइप्स की सेल्स होती हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर,
subscribe. And if you have any doubt, write it in comment box. Thank you.